क्या महिलाओं को नंगा कर दिया जाएगा? तब आप देखेंगे, तब आप जागेंगे। तो ऐसे प्रधान थूकता हूं मैं, थूकता हूं नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मैं। लेकिन ऐसा ऐसा अगर प्रधानमंत्री बन जाए नरेंद्र मोदी टाइप का आदमी, तो दोबारा मैं थूकता हूं, मैं थूकता हूं। मिल जाए तो जिंदा जला दिया जाएगा उसको, जिंदा जला देगा उसको किसी भी कीमत पे। जो फांसी पर लटका देना हो लटका दे, कि जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, जो सिंदूर नहीं लगाई हुई है, वो खाली प्लॉट है, तो खाली प्लॉट जैसी संज्ञा देने वाले लोग को जब आप आरती उतारेंगे तो फिर यही ना होगा। मोदी जी आपका दिल कहिया सिया हुआ था? मेहरारू के छोड़िए दिए, उस समय दिल नहीं फटा था? उत्तर प्रदेश में ही बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, 500 लोगों की हत्या हो चुकी है मणिपुर में। ये गुंगी प्रधानमंत्री, गुंगी भाजपा पूरी मणिपुर को जला करके राख कर देगी, तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा क्या दिखाना चाहती है वो। वो नौटंकीबाज है एक नंबर की, और उससे बड़का नौटंकीबाज हम भी बन सकते हैं। और पीड़ा की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, जन की बात कब करोगे, कब करोगे जन की बात? काका साहब आकर के बड़ा कर दे, पीड़ा हो रही है, पीड़ा समझ में आता है, समझ में आता है पीड़ा है। मणिपुर से एक तस्वीर आई जिसने इंसानियत को और हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया, एक ऐसी तस्वीर जिसके बारे में भारत के लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और उस तस्वीर को देख करके आपकी जो रूह है, आपके अंदर जो आत्मा है, जो इंसानियत है, वो पूरी तरह से कांप जाएगी। हालांकि कुछ लोग हैं जो दो समुदाय के बीच की लड़ाई को बता रहे हैं कि जो महिलाएं आगे आएंगी उसका यही हश्र होगा, और ऐसी बातें नेशनल मीडिया में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जो है दिल जो है वो समझिए एक तरह से फट जा रहा है। DSS के प्रधान महासचिव संतोष कुमार रेणु हमारे साथ हैं। संतोष रेणु जी, ये जो घटना हुई उसने पूरे भारत के लोगों को झकझोर दिया और पूरी दुनिया में जगहंसाई हो रही है भारत के लोगों। ये बात भाजपाइयों को समझ में आती है क्या? ये जगहंसाई मोदी जी को समझ में आता है? तो बोले ना कि हमारा दिल बहुत अंदर से फट रहा है। दिल बहुत अंदर से फट रहा है तो कहिया दिल सिया हुआ था? मोदी जी आपका दिल कहिया सिया हुआ था? मेहरारू के छोड़िए दिए, उस समय दिल नहीं फटा था? आपको दिल तब फटता ना जब आप अपने घर में भी महिलाओं को सम्मान करते है ना। तो भाजपाई जो लोग होते हैं और भाजपा के जो आका हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ऐसी व्यवस्था लागू की है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान की आधी आबादी ऐसे ही कराहती रहे और ऐसे ही कराहती रहेगी। आपने देखा कि जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है, जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, आप देख लीजिए, मैं गिना देता हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ मनीषा वाल्मीकि के साथ, क्या हुआ? आज उसके जो आरोपी थे आज कहाँ है वो? सलाखों से बाहर आ गए। योगी आदित्यनाथ की सरकार साबूत के कमी के चलते अंततः न्यायालय को बाहर करना पड़ा उसे। उत्तर प्रदेश में ही बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है और उनके पदाधिकारी हंसते हुए पेट्रोल डाल देते हैं उस चिता में, क्या कहिएगा? जिस प्रकार से वहां पे हुआ भाजपा शासित मणिपुर में, ये आज की घटना है क्या? ये आज की घटना है? ये आज आप, ये घटना भले 4 मई को हो या 6 मई को हो, मणिपुर करीब करीब पिछले 5-6 महीने से जल रहा है। मणिपुर में करीब करीब 800 घर वहां से पलायन कर चुकी है, करीब करीब 500 लोगों की हत्या हो चुकी है मणिपुर में। ये गुंगी प्रधानमंत्री, गुंगी भाजपा ये कब समझेगी? ये क्या तब पूरी मणिपुर को जला करके राख कर देगी? तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। और पीड़ा की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, जन की बात कब करोगे, कब करोगे जन की बात? आप ये बताइए, ये लोग अपनी वोट पाने के लिए सिर्फ दलित महादलित समाज की सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं चिराग पासवान से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जीतनराम मांझी जी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किस हक से आप NDA के साथ हो, किस हक से आप भाजपा का आप साथ दे रहे हो? क्या यही दिन देखने के लिए, क्या यही दिन देखने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रपति महोदया से, मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी एक आदिवासी समाज की सम्मानित महिला हैं, आप देश के सर्वोच्च पद पे हैं, आप क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप वहां पे? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या महिला के सम्मान में क्या भाजपाइयों को नहीं उतरना चाहिए? क्या वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? स्मृति ईरानी लिखी है, स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी क्या बोलेंगे भाई, बहुत कष्ट है वो लिखी है, क्या बोलेंगे, क्या कष्ट है उनको, उनको क्या कष्ट है? अगर कष्ट होता तो आज के 6 महीना पहले वो मणिपुर पहुंच गई होती। क्या वो नौटंकी लगा रही है, क्या वो जैसे क्या दिखाना चाहती है वो? वो नौटंकीबाज है एक नंबर की, और उससे बड़का नौटंकीबाज हम भी बन सकते हैं। लेकिन हमें हिंदुस्तान का दर्द है, तकलीफ है, हिंदुस्तानियों की तकलीफ मेरे अंदर है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं।
ये लोग नौटंकी बाज है, अगर ये लोग को दर्द होता, आका साहब कह रहे थे, आका साहब आकर के बड़ा कर रहे थे, पीड़ा हो रही है, पीड़ा समझ में आता है, समझ में आता है पीड़ा है, देश की बागडोर आपके हाथ में है, मणिपुर पता चला है, क्या महिलाओं को नंगा कर दिया जाएगा, तब आप देखेंगे, तब आप जागेंगे, तो ऐसे प्रधान थूकता हूं मैं, थूकता हूं नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मैं, ऐसे ऐसे नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री पद का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा ऐसा अगर प्रधानमंत्री बन जाए नरेंद्र मोदी टाइप का आदमी, तो दोबारा मैं थूकता हूं ऐसे ऐसे आकाओं पे, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री को 6 महीना के बाद पीड़ा जगे, जिस देश के प्रधानमंत्री को जब महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया जाए तब जाकर के होश आए, तो ऐसे प्रधानमंत्री पे तिबारा ऐसे लोगों पे थूकना ही चाहिए। और मैं जिन लोग को ये सब दर्द अब हो रहा है ना, उनके मैं आकाओं से मैं कहना चाहता हूं कि ये दिन दूर नहीं होगा कि सामंतवादी लोग भाजपाइयों के सह पा करके जैसे जैसे अत्याचार कर रहे हैं, अगर नहीं जागे 2024 में इन लोगों को जवाब नहीं दिए, तो ऐसे ही दिन झेलना पड़ेगा, ऐसे ही दिन देखना पड़ेगा। ये टीजर ट्रेलर नहीं है, बल्कि आने वाली फिल्म की एक बहुत सच्ची आपको पटकथा दिखाई जा रही है। सवाल ये है संतोष जी कि एक समाज कैसा हो गया है, लोग महिलाओं को लड़कियों को पकड़ के लेते जा रहे हैं, और उसमें एक व्यक्ति है जो दरिंदगी की इंतहा पार कर चुका है, कि वो ऐसी मतलब ये सोच हुई आई कहाँ से, भारत में जिस महिलाओं को देवी देव के रूप में लोग देखते थे, ये सोच कहीं ना कहीं से तो पैदा हुई युवाओं में, किस तरह की हरकत हो रही है। नहीं नहीं, आप देवी देवताओं के रूप में देखते थे, आज भी देखते हैं लोग, लेकिन जब सत्ताधारी बैठे हुए लोग जब पाखंडियों को सम्मान देने लगे, आरती उतारने लगे, और वो पाखंडी आपको ध्यान होगा, धीरेन्द्र शास्त्री बोला है कि जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, जो सिंदूर नहीं लगाई हुई है, खाली प्लॉट है, तो खाली प्लॉट जैसी संज्ञा देने वाले लोग को जब आप आरती उतारेंगे, तो फिर यही ना होगा, यही होगा, ये भाजपाइयों की रची हुई साजिश है महिलाओं को डराने के लिए कि आप घर में दुबकी रहो, आप घर से बाहर निकल कर आजादी की सांस नहीं लो। लेकिन भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ भी कर लो, ये मणिपुर की घटना पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भाजपा का नाक कटवा दिया है, और भाजपा का जिस प्रकार से, भारत का जिस प्रकार से आपने नाक कटवाया, भाजपा का आपने जिस प्रकार से नाक कटवाया, हमको नाक कटी पार्टी नहीं चाहिए, और हमें हिंदुस्तान की मान मर्यादा के लिए जहां तक उतरना होगा, जहां तक लड़ना होगा, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। हाँ, क्या क्या स्थिति, आप परेशान लग रहे हैं। हमारे घर में खाना नहीं बना है आज, हमारी पत्नी सुबह सुबह देख ली वीडियो, वो जिसे रो रो करके उसका बुरा हाल है, हमारे घर में खाना नहीं बना, अभी तक हम भूखे हैं उस दर्द को, और भूख भी नहीं लग रहा है, गुस्सा मिल जाए तो जिंदा जला दिया जाएगा उसको, जिंदा जला देंगे उसको किसी भी कीमत पे, जो फांसी पर लटका देना लटका दे, लेकिन आम आवाम को किस प्रकार से जलील करेगा हिंदुस्तान की महिला मत पर नहीं बख्शेंगे। ये थे हमारे साथ संतोष रेणु, साफ तौर पे कह रहे हैं बहुत आक्रोशित है, दिल में पीड़ा है, दर्द है, वो कह रहे हैं कि भारत जैसे देश में महिलाओं के साथ इस तरह की ज्यादती होती है, और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं जो इस तरह की सोच पैदा की है उसका ये परिणाम है, लेकिन महिलाओं को अपने सम्मान के लिए, समाज के लोगों को इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आगे आना होगा, और इसके लिए जो भी पॉलिसी रणनीति बनानी होगी वो सबको मिलकर के बनानी होगी, ताकि महिलाओं का सम्मान हो सके।